गुड मॉर्निंग क्लास। कोई बोल क्यों नहीं रहा गुड मॉर्निंग? हाँ गुड मॉर्निंग पहले बोलो। हाँ गुड मॉर्निंग। चलो इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो बेटा। आप लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो, ठीक है? बेटा मैंने आप लोगों को वर्कशीट भेजी है ना, तो वर्कशीट से पढ़ना आप लोगों को, ठीक है? चैप्टर नंबर 5 का मैंने वर्कशीट भेजा है आपको ना कि नहीं भेजा है? भेजा है ना? क्या नहीं भेजा? एक सेकंड देखने दो मुझे। अच्छा नहीं भेजा, भेजती हूँ। भेजा था बेटा, ये देखो देखो मैंने मैसेज किया है, मैंने वर्कशीट भेज दी आप लोगों को। अब चलो आगे का चैप्टर करेंगे हम लोग। द रेन कौन चैप्टर करेंगे हम लोग? द रेन। हम सबको पता है रेन क्या होती है, बारिश है ना। बारिश सबसे पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। बाकी किसको पसंद है? अगर इसको पसंद है हाथ पकड़ो, क्यों मुझे पसंद है? मैंने हाथ पकड़ दिया, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है बारिश। अच्छा चलो अब देखते हैं यहाँ पे पोएम में क्या लिखा हो। देखो पिटर पैटर रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, हियर इज माई अम्ब्रेला टू कीप मी सेफ एंड ड्राई, व्हेन द रेन इज ओवर द सन बिगिंस टू ग्लो, the little flower starts to bud and grow and grow and grow. अब देखो ये पोएम में क्या बताया गया है कि रेन ड्रॉप कैसे हो रही है, पिटर पैटर फॉर्म में, पिट पैट पिट पैट, तो ऐसे हमारी रेन ड्रॉप होती है ना। फिर जो क्या बोल रहा है कि जो रेन है वो कहाँ से आ रही है? ऊपर से आ रही है, आसमान से आ रही है, स्काई से आ रही है, पर मेरे पास मेरी क्या है? अम्ब्रेला है। हियर इज माय अम्ब्रेला टू कीप मी सेफ, मेरी जो अम्ब्रेला है ये मुझे क्या करेगी? बचा के रखेगी। किससे? भीगने से बचा के रखेगी। और मुझे क्या रखेगी? ड्राई ड्राई मतलब क्या? सूखा रखेगी मुझे। तो जब हम बारिश में कहीं बाहर जाते हैं तो हम क्या लेके जाते हैं? अम्ब्रेला लेके जाते हैं ना हम लोग, कि नहीं लेके जाते हैं? अम्ब्रेला लेते हैं या रेनकोट पहनते हैं हम लोग ताकि हम भीगे नहीं। When the rain is over, जब रेन चली जाती है, जब रेन खत्म हो जाती है, तब क्या होता है? सन निकलता है, सन निकलता है और हर जगह उजाला उजाला हो जाता है, लाइट आती है ना। अब देखो बाहर जरा खिड़की में देखो कैसे लाइट लाइट दिख रही होगी, पर जब बारिश आती है तो अंधेरा हो जाता है ना हर जगह पे, है ना, छाव आ जाती थोड़ी, तो वैसे अंधेरा हो जाता है। एंड द सन बिगिन टू ग्लो, सन के वजह से क्या हो जाती है? हर जगह रोशनी फैल जाती है। द लिटिल फ्लावर्स स्टार्ट टू बड, छोटे छोटे फ्लावर्स है वो अब क्या हो रहे? बड़े हो रहे हैं और उनके भी बर्ड्स आ रहे हैं और नए नए फ्लावर्स ग्रो हो रहे हैं और वो धीरे धीरे ग्रो होते जाएंगे, ग्रो ग्रो एंड ग्रो।
समझ में आया आपको ये? आया? ओके, अब निकालो डेजी द काउ, पेज नंबर 33। कम टू पेज नंबर 33, डेजी द काउ। Daisy the cow. Page number 33. अब क्या है Daisy? Daisy क्या है? Cow का नाम है, ठीक है? Jim like the animals. Jim को क्या पसंद है? Animals पसंद है. On Aunt Katie's farm. Aunt Katie की जो farm में जो animals रखे गए हैं ना, वो Jim को बहुत ज्यादा पसंद है. He likes building. So, कौन पसंद है? बिल्ली. वो कौन है? एक छोटी सी ब्लैक गोट. छोटी सी ब्लैक गोट उसको पसंद है, जिसका नाम क्या है? बिल्ली. He like noisy hens and gentle sheep. किसका पसंद है? जो आवाज करते हुए हैंस है ना, वो पसंद है. और शांत रहने वाली शिप भी पसंद है उसे. But there is one animal Jim is afraid of. एक ऐसा एनिमल है जिससे जिम क्या हो जाता है? डर जाता है. Jim says, I am afraid of the bear with horns. I am afraid of the bears with horns. Horns मतलब क्या? सिंग. ठीक है, तो जिम क्या बोल रहा है? वहां पे जो ब्लैक वाली जो बियर है ना, जिसकी सिर के ऊपर सिंह है, उससे मुझे डर लगता है. क्यों? क्योंकि वो क्या करती है? इट स्टेयर्स एट मी विद लार्ज ब्राउन आईज एंड मेक अ लाउड नॉइज. क्या बोल रहा है ये? कि वो क्या करती है? मुझे ऐसे घूर के देखती है. देखो कैसे देख रही है, देखो ऐसे बड़ी बड़ी आंखें करके देख रही है और जोर जोर से आवाज करती है, तो मुझे उससे डर लगता है. Aunt Kate says, that isn't a bear. क्या बोल रही है? वो बियर नहीं है. That is my good cow. वो क्या है? मेरी अच्छी काउ है. Daisy. इसका नाम क्या है? काउ का Daisy. She will not hurt you. वो तुम्हें दर्द नहीं देगी, तुम्हें तकलीफ नहीं देगी, तुम्हें लगाएगी नहीं वो. ठीक है. Now come to page number 34. But Daisy is making loud noise at me, says Jim. Jim क्या बोलते हैं? कि Daisy जोर जोर से आवाज करती है मेरी तरफ देख के. Aunt Cat says, no, that is Daisy's mooing. Daisy क्या कर रही है? Moo, moo. काव की आवाज कैसी आती है? Moo. तो वैसे मॉइंग कर रही है और कुछ नहीं कर रही है. शी इज हंग्री. आंट केट क्या बोल रही है? कि वो भूखी है, उसे भूख लगी हुई है. स्लोली जिम्स वॉक अप एंड स्टैंड बिसाइड डेजी. अभी क्या करता है जिम? ऐसे ना धीरे धीरे करके डेजी के पीछे खड़ा होता है और शी मेक्स अ सॉफ्ट मू ऐसे धीरे धीरे सॉफ्ट सॉफ्ट आवाज निकाल रही है वो. When he pets her, जब वो क्या कर रहा है? उसके ऊपर ऐसे हाथ घुमा रहा है, तो धीरे धीरे मोह मोह कर रही है. I am not afraid of Daisy now. अब क्या बोल रहा है? अब मुझे डेजी से डर नहीं लगता. Jim tells Aunt Kate. Aunt Kate को क्या बोल रहा है जिम? कि अब मुझे ये जो काउ है डेजी नाम है उसका, मुझे अभी उससे डर नहीं लगता क्योंकि मैंने एक बार उसके ऊपर हाथ घुमाया ना, इसीलिए. समझ में आया अभी आप लोगों को ये वाला? हाँ बेटा. आंट केट क्या करती है? उसे कुछ खाने देती है तो वो शांत हो जाती है क्योंकि भूख लगी होती ना,
जैसे अगर हमें भूख लगती है तो हम क्या करते हैं, चिल्लाते खाना चाहिए खाना चाहिए खाना चाहिए, करते ना हम लोग, तो वैसे वो भी, अब वो तो बोल नहीं सकती तो क्या करती है, मोमो करती है। अगर डॉग को कुछ चाहिए डॉग क्या करेगा, बाव बाव करेगा। तो उन सबकी अपनी अपनी आवाज होती है, ठीक है, अंडरस्टूड? ये चैप्टर समझ में आया? अच्छा, अब जो मैंने आपको वर्कशीट भेजी है ना, वो हम लोग करते एक बार रिविजन, ठीक है, उसका कि क्या किया उसमें। एक सेकेंड ना कहने, अब बेटा वहां से म्यूट नहीं कर पाओगे मुझे यार, अब करो अनम्यूट करो, बोलो बोलो, क्या हो, कुछ बोलना नहीं था कहने को, तो हाथ ऊपर क्यों किया, अपनी वॉइस को वापस मुझे करने, अब करो। टेक्स्ट बुक के बारे में पूछना था, अभी हो गया, टेक्स्ट बुक निकाल दिया, सब चैप्टर भी एक्सप्लेन कर दिया, अब क्या पूछ रहे हो। ओके चलो, ये आपका समझ में आ गया अभी ये सारा का सारा। चलो फिर अभी निकाल लो बुक, कौन सी, सॉरी वर्कशीट में अभी आपके सामने शो करती हूँ, जॉब दो सेकंड, अच्छा आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ग्रैंडमास वेजिटेबल गार्डन, ये हमने जो किया था वही चैप्टर है ना, ग्रैंडमास वेजिटेबल गार्डन। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, मेक सेंटेंसेस, हमें क्या करना है, सेंटेंस बनाना है। कौन सा वर्ड दिया है मिस ने यहाँ पे, ब्रिंग का मतलब क्या था, लेके आना। सो माय मदर ब्रिंग्स चॉकलेट फॉर मी, मेरी मम्मी क्या करती है, मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आती है, ठीक है। एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर जगह, एवरीवेयर का मतलब क्या होता है, हर जगह। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड कहाँ है, हर जगह है। केयरफुली मतलब ध्यान से, ऑलवेज ड्राइव केयरफुली, एकदम अच्छे से देख के चलाना चाहिए, ठीक है। ग्राउंड, द ग्राउंड इज कवर्ड विथ स्नो, ग्राउंड क्या, जमीन, ठीक है, तो जमीन किससे कवर है, स्नो से कवर्ड है, ठीक है। व्हाट डज ग्रैंडमा टेल्स आशा टू डू, ग्रैंडमा आशा को क्या करने बोलती है, ग्रैंडमा टेल्स आशा टू ब्रिंग सम वेजिटेबल्स फ्रॉम गार्डन, ग्रैंडमा क्या बोलती है आशा को, कि जाओ और गार्डन से कुछ वेजिटेबल्स लेके आ जाओ। व्हाई डज ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स, ग्रैंडमा आशा को क्यों बोलती है कि कैरेट लेके आओ, ग्रैंडमा आस्क आशा टू ब्रिंग हर सम कैरेट्स सो दैट दे कैन हैव सम हॉट सूप, वो क्यों बोलती है कैरेट लाने के लिए, ताकि वो कैरेट को लेकर सूप बना सके, क्या बना सके, सूप। हु गोज आउट विथ आशा टू लुक फॉर कैरेट, आशा के साथ कौन जाता है कैरेट ढूंढने के लिए, आशा की कैट ना, आशा की कैट जाती ना, उसका नाम क्या है, फ्लफी। तो फ्लफी हर कैट गोज आउट टू लुक फॉर कैरेट, वेल डन फ्लफी। व्हाई डज आशा सेज दिस, आशा से क्यों बोल रही है वेल डन, वेल डन फ्लफी,
Asha says because Fluffy help her to bring big orange carrots. Asha Fluffy को क्यों बोलती है well done? क्योंकि Fluffy क्या करता है? Asha की help करता है ताकि वो carrots लेके आ सके, गाजर लेके आ सके, बड़ी बड़ी orange color की. समझ में आया? Understood? समझ में आया बेटा आप लोगों को भी? Yes or no? चलो अभी आप लोग ना मुझे असाइनमेंट दे दो. मैम मुझे वापस लिखनी थी. नहीं बेटा लिखनी नहीं है, सिर्फ पढ़नी है. मैंने आपको भेजा है, व्हाट्सएप किया है, तो आप वहां से पढ़ सकते हो. ठीक है, मम्मा को बोलो प्रिंट आउट निकाल लेगी उसका. मैम लिखना है? नहीं 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 लिखना. अगर टाइम है तो लिखवा दो, ऐसा कोई जरूरी नहीं लिखवाना है, बिकॉज बच्चों को लर्न भी तो करवाना है. हाँ तो होमवर्क में लिखना है. नहीं 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 लिखना है. चलो मैम नहीं है, पढ़ना है, सिर्फ पढ़ना है. यस जय बोलो. बोलो बेटा, हाथ ऊपर किया था आपने. ओके चलो प्रेजेंट बोलना, अभी आपके प्रेजेंट ही ले रही हूँ मैं आप लोगों की. ठीक है आज प्रेजेंट मैम. मैम हाँ आप होमवर्क में क्या है बेटा? पढ़ना है आपको इसमें जो है ना मीनिंग. एक काम करो आप लोग ना, इसमें जो मेक सेंटेंस दिया है ना क्वेश्चन, इसमें बेटा मैंने आप लोगों को दिया है ना क्वेश्चन नंबर वन मेक सेंटेंस, वो आप लोग वन टाइम लिखना. ठीक है, स्कूल की बुक में. और उसका फोटो मुझे भेजना. मेक सेंटेंस क्वेश्चन नंबर वन जो दिया है ना, क्वेश्चन नंबर वन वर्कशीट में मेक सेंटेंस. हाँ हाँ ब्रिंग्स वाला, वही वही उनको लिखवाना है वन टाइम. हाँ वन टाइम. ठीक है अन दानी दर्श 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 एब्सेंट. ओके डैरियल धर्म धर्म सिंह ध्यानी प्रेजेंट में. ओके दया दिया हमिया हमिया एब्सेंट. मैम मेरा लिया. कौन बोल रहा है मेरा लिया? दानी. हाँ बेटा ले लिया आपका. मैम मेरा लिया बेटा. आप लोग ऐसे करो मेरा लिया मैं सबको एब्सेंट कर दूंगी अभी, इसलिए साइलेंस. हमिया हिमांद्री प्रेजेंट में.
जानवी, जयराज, प्रेजेंट मैम, काव्य, प्रेजेंट मैम, डैनियल, डैनियल, प्रेजेंट मैम, केयान, त्रिशि, प्रेजेंट मैम, महारुद्र, मार्विक, नैया, नक्ष, प्रेजेंट मैम, सोलंकी, प्रेजेंट मैम, ओके बेटा. नक्ष परमार, न्यासा प्रजापति, पवित्रा, जगन्नाथ, प्रांशव, रूही चिराग भाई पटेल, रूही प्रकाश भाई पटेल, तानवी, वीरा, वीरा, प्रेजेंट मैम, बेदई, बेदई, वीरेंद्र, वीरेंद्र, वियान, राजपूत वियान, युवराज, जियान, मिहिर, प्रीति, प्रीति, प्रीति एब्सेंट, जिया, जिया, नक्ष शक्कर, नक्ष शक्कर, हर्ष, मान्या, मान्या, यू, नो, महाश्री, महाश्री, ओके, चलो अभी आप लोग मैंने जो वर्कशीट दिया है वो पढ़ना है. आगे की दो वर्कशीट में आप लोगों को दूंगी, ठीक है? आगे की दो वर्कशीट है. हेलो, आवाज आ रही है? आवाज Now listen to me. आप लोगों को मैं वर्कशीट भेजूंगी आगे के चैप्टर्स की और आप लोगों को पढ़ना है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ चैप्टर एक्सप्लेन करूंगी और वर्कशीट में आप लोगों को भेजूंगी, तो आप लोगों को वर्कशीट में से पढ़ना है, ठीक है? कोई मुझे पूछेगा नहीं मैं इसका क्या है, ये है, वो है, आप लोगों को वर्कशीट में प्रॉपर टाइम पे भेज दूंगी, तो आप लोग वो करना अपने अकॉर्डिंग, ठीक है? अभी एक सेकंड रुको.
आपने इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो बेटा, आप लोग इंग्लिश की टेक्स्ट बुक निकालो। इंग्लिश इंग्लिश टेक्स्ट बुक ओके नाउ कम टू पेज नंबर 27 पे आ जाओ आप लोग। कम टू पेज नंबर 27 गुलमोहर की बुक में। देखो क्या दिया हुआ है, माय नेम इज सोना, आई स्टडी इन क्लास 1। ठीक है, तो वहां पे हमें क्या लिखा हुआ है, आई के बदले हमने क्या लिखा है, मतलब ये कि यहाँ पे आई कौन है, यहाँ पर आई सोना है। कौन है? सोना है। तो नेक्स्ट वन में क्या दिया हुआ है, वी, क्या दिया हुआ है हमें, वी। तो वी कौन है इसमें, अमित एंड आई। वी कौन है, अमित एंड आई इन द क्लास 1 वी आर फ्रेंड्स। तो वहां पे नीचे बी के बाजू क्या लिखोगे आप लोग, अमित एंड आई लिखो, अमित एंड आई। हैरी यू सिंग्स रियली वेल, हैरी यू सिंग्स रियली वेल। और यहाँ पे जो यू लिखा हुआ है, तो यू में हम किसकी बात कर रहे हैं, हैरी की, एच ए डबल आर वाई, हैरी। फोर्थ वन, हाय हर्ष कैन यू प्ले विथ मी, हाय हर्ष कैन यू प्ले विथ मी। यहाँ पर जो यू दिया हुआ है, सॉरी फिफ्थ वन, हाय हर्ष कैन यू प्ले विथ मी। तो यहाँ पर जो यू है वो कौन है, हर्ष। ठीक है, फोर्थ वन, आई एम फवाद, आई एम फवाद। मुझे पता है बेटा मैंने आप लोगों को ये अलग करवाया पहले, लेकिन जस्ट मैं आपको ये रिविजन करवा रही हूँ, उसके आगे वाला हम लोग करने वाले। ठीक है, हाय हर्ष कैन यू प्ले विद मी। यहाँ पे जो यू है वो क्या है, हर्ष। और जो फोर्थ वन है उसमें क्या है, आई एम फवाद, आई एम 6 ईयर ओल्ड। तो आई एम कौन हुआ है, अभी हम किसकी बात कर रहे हैं, फवाद की। तो फवाद, ठीक है। अब हम आएंगे दूसरे क्वेश्चन पे, दैट इज नंबर बी। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लुक एट द पिक्चर, व्हाट दे आर डूइंग, कंप्लीट ईच सेंटेंस इन अ करेक्ट वर्ड। माय नेम इज आशा, माय नेम इज आशा एंड दिस इज माय सिस्टर। क्या दिया हुआ है, वी आर प्लेइंग ऑन अ स्विंग। ये दोनों क्या कर रहे हैं, स्विंग पे, मतलब झूला झूल रहे हो दोनों के दोनों। ठीक है, तो दो है तो हमने क्या लिखा, वी। फिर गगन डैश कैन यू गो होम नाउ, गगन
यू कैन गो होम नाउ. सेकेंड में हम क्या लिखेंगे, यू. क्या लिखेंगे सेकेंड में हम, यू. थर्ड वन, माई पैरेंट इज फनी. Desktop on the mobile. It talked on the mobile phone. My parrot is funny. We talks on the mobile phone. तो आंसर क्या आएगा? We. Next, my name is Lata. She loves the rain. या फिर आई लव द रेन. खुद के बारे में बता रही है तो आई आएगा. क्या आएगा? आई. फिफ्थ वन, माय फ्रेंड लिली एंड आई स्टडी इन नेशनल स्कूल. वी लाइक गोइंग टू स्कूल. वी लाइक Going to school. जल्दी से लिखो बेटा ये वाला. हो गया बच्चा आप लोगों का, ये लिख गए. सबका हो गया लिख के? यस और नो? हो गया सबका? ओके तो चलो फिर. मैम, हाँ बेटा. मैम मेरा बाकी है. ओके ठीक है, चलो लिखो फटाफट लिखो. चलो बच्चा अभी बाय.